उस कैमरे में यह पता चला गैस प्रोराइडर चौहानगर के, के रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज निकलकर सामने आई है फाइनली पुलिस ने प्रो राइडर के एक्सीडेंट के बारे में कुछ बताया है तो भाई सबसे पहले पुलिस ने बताया है कि उनको पाँच घंटे ढूंढने के बाद झाड़ी में प्रो राइडर का कैमरा मिला उन्होंने एक्सीडेंट से पहले की क्लिप देखी उसमें उन्होंने देखने के बाद क्या कहा खुद देखिए पुलिस को थाना टप्पल क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई की एक युवक का एक्सीडेंट से यमुना एक्सप्रेस वे पर डेथ हो गई है और इस संबंध को इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए छानबीन की गई तो पाया गया कि यह युवक देहरादून का रहने वाला अगस््य चौहान है जो कि वीडियो लॉगिंग करता है और अक्सर 300 प्लस की स्पीड को हिट करने का टारगेट अपने वीडियो में दर्शाता है जिसको लोग जो हैं रोचक रूप से इंटरेस्ट लेते हुए उन वीडियोज़ को देखते हैं इस संबंध में यह भी पता चला कि इनके द्वारा एक वीडियो बॉडी वॉन कैमरा पहना गया था जिसको अथक प्रयास से पुलिस द्वारा आसपास छानबीन करके निकाला गया है और उस कैमरे में यह पता चला कि इनके द्वारा 294 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड घटना के कुछ देर पहले जो है वो हिट की गई थी जो उसमें दर्शाई गई है और इस संबंध में अभी भी पुलिस की जांच आगे जारी है और इसमें यह भी बता दें रोड सेफ्टी के एंगल से मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर युवक इस तरह की स्पीड को रोड पर आ, अपनाते हैं जो कि जोखिम भरा कार्य है इन्हीं हाईवेज़ पर कई लोग अपने परिवार के साथ जिनमें महिलाएँ भी होती हैं वृद्ध भी होते हैं बच्चे भी होते हैं निर्धारित गति से उसमें चलते हैं और उन लोगों को भी इस तरह की जो हरकतें हैं इससे काफ़ी परेशानी होती है जहाँ एक और अगस्त चौहान की मृत्यु से उनके परिजनों में उनके जान पहचान में के लोगों में एवं दोस्तों में एवं काफ़ी दुख की लहर है वही जनपदीय पुलिस भी इस घटना पर इनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट करती है साथ ही यह सबको बताना भी चाहती है कि फिर और कोई युवक इस तरह की घटना का शिकार ना हो इस तरह की असामयिक मृत्यु जो कि काफ़ी दुख का कारण परिजनों के लिए बन सकती है ऐसी कोई भी घटना ना हो इसके लिए सभी को सचेत रहने के लिए हम लोग आह्वान करते हैं और साथ ही ये चाहते हैं कि निर्धारित स्पीड पर ही बाइकर्स और राइडर्स जो हैं अपनी मोटरसाइकिल इस तरह के हाईवेज़ पर जो हैं वहाँ पर स्टंट ना करें और नियमों का पालन करें धन्यवाद अगर प्रो राइडर केस ऐसी रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा पर उसके लिए आपको एक काम करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कर देना है जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और गाइस आपसे मेरे छोटी सी रिक्वेस्ट है कमेंट में एक बार लेजेंड प्रो राइडर जरूर लिख देना बाय